मैं थोड़ा एक गल दसना चाहूँगा, एक यहोजी अनाउंसमेंट आ, कोर्स इज नैवर रोंग। कोर्स किसी का कदे भी गलत नहीं हुंदा। हुण एक आम जी गल आ साडी इंडस्ट्री विच बड़ी प्रचलित है, एक एजेंट ने फाइल लाई, फाइल हो गई रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ होने तो बाद वो फाइल बच्चा चक के दूजे एजेंट को गया, दूजे एजेंट ने कहता तुहाडा तां कोर्स गलत है जी। तुसीं कोई भी रिफ्यूजल, जिन्नी भी बच्चों की रिफ्यूजल आई है, तुसीं किसी भी एजेंट को चले जाओगे जितों तुसीं फाइल नहीं लवाई, वो तुहानूं इह करन दूगा तुहाडा कोर्स गलत है। क्योंकि कोर्स नूं लैके हर बंदे की अपनी अपनी सोच आ। कई बंदा कहता पूरे रेलीवेंट होना चाहिए, इदू बिना तो गल ही नहीं बनती। ठीक है, एक सिर्फ आपके को फाइल खिंचन का तरीका कि दूजे एजेंट का कह दो जी वह कोर्स गलत है। तो मैं थोड़ा एक गल दसना चाहूँगा, एक यहोजी अनाउंसमेंट आ, कोर्स इज़ नैवर रोंग। कोर्स किसी का कदे भी गलत नहीं हुंदा। तीन ही चीज़ा हो सकती, या तो रेलीवेंट आ, जां जनरल आ, या इररेलीवेंट आ। पर बहुत बार इदा हुंदा कि बच्चा इररेलीवेंट कोर्स भी कैनेडा विच लैके वीज़ा ले सकदा। क्यों? उन्हूं समझाना पऊगा कि वह आ क्यों पढ़िया सी, हुण गां आ चेंज क्यों कर रहा। एस ओ पी चुन लिख दे भी आपकी फीलिंग भी कि मैं क्यों चेंज कर रहा। जो नहीं भी मिलता, जो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोर्स आ, वो पढ़ना शेरिडन कॉलेज आता, शेरिडन में उन्होंने यहोजा कोर्स मिल गया जो रेलीवेंट नहीं, टोटली ऑपोजिट आ, और लिख दे जी मैं पढ़ना ही शेरिडन कॉलेज चाहता, तो करके मैं इतने नहीं मिलता सी आ, या उस कोर्स यहो जी की खासियत है। उन्होंने सच लिखना पेगा जिमें भी है। ईवन इररेलीवेंट कोर्स के भी असी वीजा ले हुए हैं।